हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि है पैनल पर आधारित। और दोस्तों आप यहां पर ये पैनल नंबर देख सकते हो, मैं यहां ऊपर पैनल का जो नंबर है वो लगा भी दूंगा। और इसमें देखिए, इस जगह पर सारे डिटेल्स इस पे लिखे रहते हैं पैनल को, आपको लेंस की मदद से बारीकी से देखना पड़ता है। तो मैं एक बार आपको पूरे जो पीसीबी है इसकी, स्केलर पीसीबी, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये सिंगल कॉफ वाला पीसीबी है जो कि 32 इंच का है, और इसका ऊपर मैं आपको मॉडल नंबर बता दूंगा, आप देख लेना, साइड में स्क्रीन लगा दूंगा। तो देखिए, ये इसके पूरे एक पीसीबी है ये, और इस प्रकार से है ये डीसी टू डीसी आईसी, ठीक है। तो दोस्तों, इस अभी तक आपने जितने भी वीडियो YouTube में देखे होंगे उसमें सीकेवी लाइन काटने की जो बात है वो तो बताई जाती है, लेकिन लाइन को कैसे कंफर्म करें कि कौन सी लाइन ही ख़राब है, और हम लोग कैसे एक या दो ट्रैक को ही काटकर इस फॉल्ट को रिपेयर करते हैं। क्योंकि ये टीवी जो है, अभी मेरे पास जब आई थी तो ये ब्लैंक था, डिस्प्ले नो डिस्प्ले, बैकग्राउंड जो बैकलाइट थी वो ओके थी। तो ये आप देखिए कि हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि ये जो आप लाइन देख रहे हो दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब सीकेवी की लाइन है। तो यूट्यूब में जो दिखाया जाता है उनका कहना रहता है कि आप इस जगह से लेकर यहाँ तक की पूरी चार लाइन पांच लाइन को काट दीजिए, है ना, ऐसा बताते हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप ये मेथड देखिए दोस्तों। सबसे पहले आप हल्का हल्का इसको स्क्रैच करिए। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको स्क्रैच करने से पहले आप दोस्तों वहाँ पर थिनर या पेट्रोल हल्का सा लगा दीजिए, ताकि वो जगह जो है सॉफ्ट हो जाती है, और ये जो ऊपर का इसके ऊपर लेमिनेशन वाला पेंट रहता है वो इजीली निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक पहली ट्रिक है कि आपको हल्का सा पेट्रोल उस जगह पर लगा लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का हल्का लगाना है उस जगह पर जिस जगह पर आप स्क्रैच करने वाले हो। और सीकेवी की लाइन को कैसे ढूंढना है मैं आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ट्रैक करने का और उसको टेस्टिंग करने का तरीका देख लीजिए, जो आज तक किसी भी यूट्यूब में ने नहीं बताया है। ये अंदर की बात है और सब चीज़ लोगों फ्री पे नहीं सिखाना चाहते, इसीलिए इन सब चीज़ों को गुप्त रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग जो हैं फॉल्ट को ढूंढें और वही लाइन को काटें जिसमें प्रॉब्लम है, ना कि अननेसेसरी चार लाइन पांच लाइन या यहाँ से लेकर यहाँ तक काट दो। मैं आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। देखिए, आपको पेट्रोल लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से ब्लेड की मदद से स्क्रैच करते हुए चले जाना है, ज़्यादा नहीं करना है। जहाँ जहाँ पर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं उनको आप हल्के हल्के रगड़ते जाइए, उसके बाद उसकी जो पॉलिश है ऊपर वाली वो इसके ऊपर से निकलता चला जाएगा। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर ये जो 1 2 3 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, चार पॉइंट यहाँ पर, ये सीकेवी के हैं। ये देखिए, ये इसका सीकेवी का लाइन कहाँ पर होता है वो भी मैं आपको ऊपर पेज पर आपको लगा दूंगा, फोटो से आप देख लेंगे ना, ठीक है। इस प्रकार देखिए, हल्के हल्के हाथों से मैं इसको स्क्रैच करता चला जा रहा हूँ, और इसके ऊपर से जो पॉलिश लगी हुई थी अब वो लगभग लगभग क्लीन हो चुकी है। मैं उंगलियों की मदद से इसे क्लीन कर लेता हूँ, आप देख सकते हो, और एक बार मैं पेट्रोल लगाकर भी इसे साफ़ कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो, ये अब एकदम जो है साफ़ हो चुकी है। एक मिनट दोस्तों, वीडियो पे बने रहें, एक मिनट दोस्तों। मैं अकेले काम करता हूँ शॉप में, इसलिए थोड़ी परेशानी होती है। आप देख सकते हो, ये मैंने अभी पेट्रोल लगाकर साफ़ किया, अब ये लाइन आप स्पष्ट देख सकते हो दोस्तों, देखिए, ठीक है, अब आपको ये लाइन जो है साफ साफ नज़र आ रही है। ये चार पॉइंट्स जो है वो सीकेवी की है, जिसमें आप देख सकते हो दो पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको चेक करना है फर्स्ट और थर्ड के बीच में, ठीक है। और ये मैंने बजर जो है मल्टीमीटर को 2000 के में सेट किया हुआ है। एक मिनट, ये देखिए, और हम लोग को रीडिंग नोट करना है। एक मिनट दोस्तों, हाँ अभी आप देखिए, मैंने फर्स्ट और थर्ड पॉइंट पे इसको लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग रीडिंग नोट करते हैं तो कुछ नहीं मिला। और इसके बाद मैंने सेकंड और फोर्थ पे मैंने अभी लगा के रखा है, देखिए सेकंड और फोर्थ नंबर पे, तो इसकी रीडिंग भी हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 0.52, मतलब ये फुल शॉट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है फुल शॉट है। तो दोस्तों सीधा सीधा मतलब है हमारे यही जो पॉइंट है 2 और 4, यही शॉट है। तो हम लोगों को बाकी लाइन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को पॉइंट नंबर 2, ये वाली जो पॉइंट है, इसको
और ये वाली जो लाइन है इसको, इन दोनों को ही बस हम लोगों को कट करना पड़ेगा और हमारा जो प्रॉब्लम है टीवी का वो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए फिर हम लोग इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, मैं कैमरा थोड़ा सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, और इसके बाद देखिए हम लोगों को टू में, देखिए पिन नंबर जो टू है दोस्तों, इसमें दो पॉइंट है जो हम लोगों को कट करने पड़ेंगे, क्योंकि टू दो जगह से कनेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। देखिए एक मिनट, मैं ब्लर को ठीक कर देता हूँ पहले। ये देखिए 2.2 जो है वो दो पॉइंट्स पे जा रहा है, तो हमको दोनों को कट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ये वाली जगह, ठीक है, इसको मैं हल्का सा, देखिए दोस्तों इसको अगर ये आपने पेट्रोल हल्का लगाया है तो ये सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही इजीली वो कट जाता है, आपको काटना भी नहीं है उसका। आप हल्का सा पुश करेंगे तो वो वहाँ पे ट्रैक जो है वो कट हो जाएगा। देखिए मैं इसको काटने का प्रयास कर रहा हूँ 1 और 2 को। दोस्तों आप हल्का सा पेट्रोल लगाइए, देखिए कटने में भी आपकी बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए पीसीबी भी बहुत सॉफ्ट हो चुका रहता है। ये देखिए मैंने बस वहाँ पर हल्का सा डीप कर दिया है। और दोस्तों ऐसा कट लगाने पर आप इससे इजीली जोड़ भी पाएंगे। और इसके बाद पिन नंबर 4, ये देखिए पिन नंबर 4, इस पर भी मैं हल्का सा इसको चला लूँगा। आपको बस प्रेस करना है दोस्तों वहाँ पर, क्योंकि पेट्रोल लगाने से पीसीबी गीली हो चुकी रहती है तो ईजिली वो कट जाएगा। देखिए देखिए बहुत ही सफाई के साथ ये हम लोगों ने इसको कट लगा दिया है, सिर्फ दो पॉइंट को दोस्तों, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये टीवी मैं आपसे कह रहा हूँ 100% ओके होगी कि ये मैंने लगाया है। तो मैं एक बार, ठीक, और साफ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक बार हम लोग दोस्तों इसको कंफर्म भी कर लेंगे मीटर की मदद से, ठीक है, कि हमारा जो है शॉर्टिंग वो हटा है कि नहीं। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इसको मैं क्लीन करूँगा, ठीक है। देखिए मैं हल्का सा फिर से पेट्रोल का उपयोग कर रहा हूँ इसे सफाई करने के लिए। तो अकेले काम करने में थोड़ी सी है, कैमरामैन मेरे पास में, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सके मैं आपको दिखा पाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस प्रकार से काम करता हूँ, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए इससे। दोस्तों आप लोग ज़रूर बताना मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट्स नहीं करते, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों आप कमेंट्स करिए, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला पाऊँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़िए, और मैं नीचे यूट्यूब के चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का एक लिंक भी आपको दूंगा, जिससे आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और देखिए दोस्तों आइए अब इसके बाद हम लोग ने जो कट लगाया है इसको भी हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी जो है कटिंग सही हुई है कि नहीं। ये अभी भी कनेक्ट तो नहीं है, देखिए ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड को मैं चेक कर रहा हूँ, तो अभी तो ये तो ओपन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। और ये देखिए ये इसमें शॉर्टिंग थी, अब आप इसमें देखिए ये शॉर्टिंग बिल्कुल भी अब नहीं है इसमें, है ना, यहाँ से बिल्कुल शॉर्टिंग हट चुकी है। ये देखिए यहाँ से मैंने चेक कर लिया, इसको कंफर्म कर लिया, और देखिए यहाँ इस पिन से भी इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ से भी इसको देखिए जो हमारी कटिन है बिल्कुल सही हुई हुई है, ठीक है। क्योंकि अगर कटिन गड़बड़ी रहेगी, आपने सिर्फ एक ही ट्रैक काटा तो यहाँ पर हो सकता है वो, तो इसको मैं क्लीन कर लेते हैं एक बार। और हमारा जो कटिन है वो बिल्कुल सही हो चुका है। तो दोस्तों अब एक बार हम लोग टीवी को कनेक्शन करके एक बार ऑन करके देखेंगे। तो मैं एक बार कनेक्शन कर देता हूँ इसको टीवी को और आपको दिखाता हूँ। एक मिनट दोस्तों, दोस्तों मुझे अकेले सब काम करना पड़ता है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। एक मिनट, मैं इसे सप्लाई दे देता हूँ। देखिए इसका इंडिकेटर जो है वो ऑन हो चुका है यहाँ से, ठीक है, और मैं इसको अब रिलीज कमांड दूंगा। देखिए इंडिकेटर ऑन है, अब एक बार टीवी को ऑन करके हम लोग देखते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम जो है वो ओके हुआ कि नहीं। तो रिमोट से मैं एक बार ट्राई करता हूँ, देखिए टीवी रिलीज तो हो चुकी है। अब हम लोग एक बार नीचे देखते हैं इसको, एक मिनट। ओके दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो बन चुकी है, और यहाँ देखिए ग्राफिक्स आ गए हैं, शानदार वीडियो चल रहा है। तो दोस्तों
ये टीवी तो हमारी कंप्लीट हो गई, जैसा कि मैंने कहा था ये टीवी हमसे बन जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप टीवी को ओके कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से इसमें अगर चेक करते हैं तो आपको ज़्यादा लाइन काटने की ज़रूरत नहीं, और आप ज़्यादा एक्सेस लाइन काटते तो आपको फिर रिट्रेस लाइन या कोई अन्य लाइन और या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए दोस्तों उसी को काटें जिसमें प्रॉब्लम हो। जैसे कहते हैं ना, अगर आपके सर में दर्द हो तो उस सर दर्द का उपचार करें, गला काटने से मतलब नहीं है। तो हमारा जो वर्क है डन हो चुका है। आइए इस पर एक बार मैं वीडियो कुछ लगा कर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं टीवी को फिट कर चुका हूँ और मैं सिग्नल देकर आपको दिखा देता हूँ कि इसका ग्राफिक्स बन रहे हैं या नहीं। देखिए और डिस्प्ले पे जो था कुछ भी नहीं आ रहा था, पूरा ब्लैक था। ये पैनल का फॉल्ट था, वो हम लोगों ने अभी क्लियर कर दिया है। तो मैंने अभी यहाँ से बोर्ड से इसको सप्लाई दे दी है, इंडिकेटर ऑन है, रिमोट से ऑन करते हैं और देखते हैं। ठीक है, इसमें पैनल पे कोई स्क्रैचेस नहीं आते। ओह माय गॉड, हमारी टीवी देखिए एकदम बेहतरीन स्टार्ट हो चुकी है। नाम से है ये टीवी, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ देख सकते हो दोस्तों। ये पैनल का फॉल्ट था और ये कस्टमर ने इसको एक दो जगह पर और दिखाया, उन्होंने कहा था ये पैनल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमने वही पैनल है इसको हम लोगों ने रिपेयर कर दिया है। और आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों हमारा वीडियो का सिग्नल है और ये शानदार चल रही है दोस्तों। शानदार पिक्चर क्वालिटी है और बहुत ही बढ़िया चल रही है टीवी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए बने रहे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आगे लोगों से आपकी जो दोस्त हैं उनसे के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। एक बार आप को शुक्रिया, प्रणाम।